देखिए गाइस, पापा की फरमाइश पे बना है आज स्टू। सुबह सुबह हम खा रहे हैं शीर, तो मम्मी ने सुबह सुबह शीर रेडी कर दिया हमारे लिए। तो ये देखिए, जो रात आंधी तूफान में पेड़ और खंबा गिर गए थे, तो यहाँ पर काम चल रहा है सुबह से। तो भी गाइस, कुरानशी की तिलावत स्टार्ट कर दी है हमने। आज से मैं कबीर को भी ट्यूशन पढ़ाया करूंगा, कबीर को लेकर बैठा करूंगा मैं। देखिए गाइस, कबीर भी वजू कर रहा है नमाज पढ़ने के लिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कहते भी किसम कुछ ऐसा है, हमने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और मौसम बहुत ठंडा है, मगर कभी धूप निकल रही है कभी घटा आ रही है, कभी धूप निकल रही है कभी घटा आ रही है, तो ऐसे ही चल रहा है। तो कल आंधी तूफान कितना था, फिर उसके बाद में रात में बारिश भी हुई, बहुत अच्छा मौसम रहा। मगर अभी ना कभी थोड़ा सा परेशान कर रहा है, उठ नहीं रहा है, तो उसको उठाते हैं, रेडी करते हैं। रो रहा है, उठते हुए रो रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। तो थोड़ा सा ना सुबह के टाइम में बच्चे करते हैं जल्दी उठने में, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है लेट सोते हैं, तो उसकी वजह से उनको स्कूल के टाइम पे उठने में थोड़ी परेशानी होती है। कोई बात नहीं, कबीर को रेडी करते हैं, फिर उसके बाद में स्कूल लेके जाएंगे जरूर। तब तक बने रहिएगा एंड तक और देखते रहिए अरकान सिद्दीकी की ब्लॉग। तो ये देखिए गाइस, कबीर की पानी की बोतल भी रेडी है और लंच बॉक्स भी रेडी है और बैग भी रेडी है। तो लंच में देखते क्या बनाया कबीर के लिए। ओ वाओ, कबीर के लिए ये मैगी बनी है। हाँ, और इसमें देखते हैं क्या है। ओ वाओ, केचप का पाउच और टॉफी वगैरह भी है, माशाल्लाह। कबीर का लंच बॉक्स सब चीज रेडी है, कबीर का बैग भी और पानी की बोतल भी। तो भी गाइस, कबीर तो रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए। देखिए कबीर रेडी हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कबीर सुबह सुबह फिर वापस से रोने लगा था। तो बच्चे ना सुबह में उठते हुए थोड़ा आलकस करते हैं, इसलिए रोते हैं और मना करते हैं स्कूल जाने के लिए, मगर फिर भी कबीर रेडी हो चुका है। कबीर का लंच बॉक्स वगैरह सब चीज़ रेडी है और माशाल्लाह आज कबीर के लिए मम्मी ने, आपने देख ही लिया है, मैगी बना कर दी है और बहुत टेस्टी लग रही है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी जी। कबीर जल्दी से वो बोलो, गुड मॉर्निंग, जल्दी से तेज, रब्बी जिदमी इल्मा, जल्दी नहीं पढ़ने के। आज कबीर का मूड ऑफ है, तो चलिए कबीर को स्कूल छोड़ने चलते हैं, फिर मिलते हैं। कबीर नानी बाय बाय कर रही है, क्या करा लो जल्दी से, क्या करा दो नानी से, पानी करा दो। नहीं करा, आज मूड ऑफ नहीं कराने का, मूड ऑफ है, मूड ऑफ है, आपका मूड ऑफ हो रहा है, मूड ऑफ है। हमारा तो ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका है, तो आज सुबह सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करने के लिए मिल रहा है। तो देखिए बिरयानी खा रहे हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, और चाय हमारी आ चुकी है, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट करने के बाद। सुबह सुबह हम खा रहे हैं शीर, तो मम्मी ने सुबह सुबह शीर रेडी कर दिया हमारे लिए। तो मतलब आज क्या स्पेशल था जो एकदम सुबह सुबह रेडी कर दिया। मेरे बच्चे का कल बर्थडे नहीं था। अच्छा, वो तो आज जिम्मा तो चलेगा, फिर कैसा होगा, उन्होंने केक नहीं कटवाया था, उसके शीर बना दिया मैंने। अच्छा, तो शीर खा रहे हैं, फिर मिलते हैं शीर खाने के बाद, बताते हैं फिर कैसा टेस्ट है। ठीक है, मुझे तो शीर इतना पसंद आया कि मैं एक कटोरी और खा रहा हूँ। तो मम्मी ने कहा और लाकर, तो मैंने कहा ठीक है लेकर आओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुबह सुबह आज ब्रेकफास्ट करने के बाद शीर खाने के लिए मिल रहा है। तो गाइस, हमारे तो सफाई वगैरह हो चुकी है, सारा घर क्लीन कर दिया मैंने। तो बहुत धूल मिट्टी थी रात तूफान की वजह से, तो बहुत ज्यादा मतलब हर जगह धूल ही धूल थी, और इसलिए भी थी क्योंकि हमारा घर खुला है चारों तरफ से, इसलिए हमारे घर में धूल चली आती है जब भी आंधी तूफान आते हैं। तो कोई बात नहीं, हमने बिल्कुल घर क्लीन कर दिया अपना। तो फिलहाल थोड़ा सा बैठा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। तो रेस्ट करने के बाद कबीर को भी लेने जाना है, फिर कबीर को जल्दी से लेकर आकर, आज जुमा भी है, तो आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से जुमा मुबारक। तो कबीर भी रेडी होएगा, मैं भी रेडी होऊंगा, और आज वैसे भी लाइट नहीं है और हमारे टैंक में पानी भी खत्म हो गया है, तो पानी भी भरना है, अभी बहुत काम है। तो अभी फिलहाल बन रहिएगा एंड तक, यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं आपसे आगे चलकर। तो ये देखिए, जो रात आंधी तूफान में पेड़ और खंभा गिर गए थे, तो यहाँ पर काम चल रहा है सुबह से, और लाइन मैन भी यहाँ पर लगे हुए हैं, सभी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं क्योंकि रात बहुत ज्यादा परेशान थे। देखिए हमारा तो कबीर स्कूल से आ गया है। कबीर क्या लेकर आया, टिक टैक है? और ये देखो नानू ने आपके लिए श्रद्धान अंकल का वो लेकर आया गोला, देखो घुल भी गया सारा गोला, ठीक है पी लो आप। और रुको जल्दी से रुको, मैं आपके कपड़े उतार दूं, अभी मत खाओ नहीं तो निशान लग जाएंगे, ठीक है। तो गाइस, मैं तो नहाकर फ्रेश हो चुका हूँ और जुमे की तैयारी है, जुमे में बस 15 मिनट बाकी है, तो आज मैं बख्शी वाली मस्जिद में जा रहा हूँ जुमा पढ़ने के लिए। अब अगर मैं 2:05 पर खुतबा है तो वहां पर थोड़ा लेट होगा, और मुझे वैसे भी कुछ काम भी है, तो देखते हैं नमाज पढ़ने के बाद वो काम भी देखेंगे, जल्द से जल्द वो भी निपटाना है। तो सबसे पहले चलते हैं जुमा पढ़ने के लिए, फिर मिलते हैं आपसे।
तो भी गाइस मैं तो नमाज पढ़कर आ चुका हूँ और हमारा खाना भी नमाज से एकदम हो चुका है और अभी ना कुरैशी की तिलावत करते हैं फिर उसके बाद में मिलते हैं। तो अब जो है हमारा लाइट का खंबा भी लग गया है, जुड़ गया है और तार वगैरह भी सब जुड़ गए, लाइट आने वाली है थोड़ी देर में। तो फिलहाल कुरैशी की तिलावत करते हैं। तो भी गाइस कुरैशी की तिलावत स्टार्ट कर दी है हमने। तो अलिफ लाम मीम का पारा है, तो आज पहला पारा है, तो इंशाल्लाह इसे पूरा कम्प्लीट करके ही उठेंगे। तो पढ़ते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो भी गाइस मेरा तो कुरैशी पढ़कर हो चुका है, फिलहाल मैं चाय बनाने के लिए जा रहा हूँ। मम्मी और पापा चाय के लिए बोल रहे हैं तो चाय बनाते हैं सबसे पहले। तो ये बन रही है हमारी चाय, 5 मिनट या 10 मिनट में रेडी हो जाएगी क्योंकि मेरी चाय बहुत लेट लतीफ है, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से पकाता हूँ मगर मम्मी पापा को बड़ी जल्दी रहती है। तो चाय बन रही है। आज से मैं कबीर को भी ट्यूशन पढ़ाया करूंगा, कबीर को लेकर बैठा करूंगा मैं, तो पीछे गली में काम चल रहा, नहीं तो वो समरांडी की भी जाता है और वहां पर भी जाया करेगा और मैं भी लेकर बैठा करूंगा। तो कभी को ट्यूशन पढ़ाते हैं। मुझे दिवाली मिली थी। ये आपको डायरी मिल गई है? हाँ। न्यू सेशन की? हाँ। ओह माय गॉड, ये आपके स्कूल का नाम है द ग्रोइंग किड्स स्कूल, ठीक है, ये आपके स्कूल का नाम है। हाँ। चलो आपका बैग किधर है? बैग दो जल्दी से, जल्दी से दिखाओ। तो कभी को ट्यूशन पढ़ाते हैं आज। ये आपको होमवर्क मिला हुआ है, ये अभी तक कम्प्लीट क्यों नहीं किया? ये अभी आपको बस एक लाइन कम्प्लीट करिए, ये भी सही से नहीं किया आपने, इसे कंप्लीट करो, फिर ये वाला भी होमवर्क कंप्लीट करेंगे हम, देखते हैं इसमें क्या मिला है आपको। ये भी अनकंप्लीट है, कंप्लीट करना है, ये भी कंप्लीट करना है, ये आज का होमवर्क मिला आपको, ठीक है। ये आपने क्लास, ये क्लास वर्क है, ये होमवर्क है, तो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए कबीर का ये भी होमवर्क कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो चुका है और ये भी कंप्लीट हो गया, सब कंप्लीट हो गया, सारे कंप्लीट हो गया। कबीर का होमवर्क कंप्लीट हो गया। कबीर कर ली पढ़ाई? कर ली, कल से अच्छे से करना आप, है ना, खुद से करना। गाइस कबीर के लिए कट कर रही है मम्मी खरबूजा। कबीर आपका फेवरेट है? हाँ मैं भी खाऊंगा। नानी कट कर रही है ना, तो सदा पप्पी का फोन आया हुआ है, सदा पप्पी से ही बात कर रही है मम्मी और खरबूजा भी कट कर रही है। और ये देखिए मम्मी ने बीज भी अलग निकाले, मम्मी बोल रही है मैं इसको धोऊंगी और अब रमजान भी खत्म हो गया, धोने के बाद इसको खाएंगे आराम से बैठ कर, टाइम पास होता है तो इसको सुखा कर फिर खाते हैं तो मजा आता है। तो देखिए जल्दी जल्दी कट कर रही है फिर खाएंगे आराम से। हाँ कबीर को तो बहुत जल्दी है, मम्मी से देखो जल्दी कितने जल्दी से ये खरबूजा ले लिया है, तो मम्मी ने थोड़े से कट करके इसको दे दिया, बाकी की और कट कर रही है मम्मी इधर, तो देखिए कट कट करके दे रही है हमें। तो खरबूजा बड़ा मीठा है ना कबीर, बहुत मीठा है ना, तो चलो खाते हैं। वो तो लेकर आओ कांटी, कांटी लेकर आओ। देखिए गाइस पापा नमाज पढ़कर आकर कुरैशी पढ़ रहे हैं और मैं भी नमाज पढ़कर आ गया हूँ, पापा के पीछे पीछे मैं भी नमाज पढ़कर आ गया। और देखिए डेली की तरह आज भी कुरैशी पढ़ रहे हैं सूरह बकर, तो पापा डेली इसी टाइम पढ़ते हैं। और पापा बता दें कि मैं इतनी स्पीड से पढ़ता हूँ, मतलब अब टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी, बहुत टाइम हो गया है, इसलिए ना अब तो पापा को बोलते हैं कि ढाई पारे की ये सूरह बकर है और एक पारा लगता है, एक पारे का भी टाइम नहीं लगता पापा को जितने की, जैसे अब मैं नॉर्मली कुरैशी पढ़ता हूँ तो मुझे आधा घंटा कभी कभी पौन घंटा भी लग जाता है, और पापा माशाल्लाह ढाई पारा आधे घंटे में पूरा कर देते हैं, ढाई पारे, तो इतनी स्पीड से पढ़ते हैं माशाल्लाह। और आप देख सकते हैं कितने आवाज आ रही है। तो रमजान में तो थोड़ा बहुत रोजे की वजह से स्लो भी थे, फिर भी मतलब पापा खींच के पढ़ते थे, मगर अब भी देखिए कितनी जोर से पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ मार्केट सामान लेने के लिए, और आज पापा की फरमाइश पे कुछ बन रहा है, वो क्या बन रहा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल चलते हैं मार्केट। ठीक है गाइस कबीर भी वजू कर रहा है नमाज पढ़ने के लिए, तो कबीर घर पे नमाज पढ़ेगा। कबीर कैसे पेट धो रहा हो देखा ना, देखो कैसे धो रहा है, जैसे मैं धोता हूँ ना यहाँ पे खड़े होकर, तो वैसे ही वजू कर रहा है। कभी वजू कर लिया आपने? जाओ नमाज पढ़ो जाकर भाग कर। आपने देखा किस तरह से कबीर वजू कर रहा था, तो कभी कभी ना कुछ कुछ तो ऐसा करता है जितना बहुत क्यूट लगता है, और बातें भी कुछ कुछ ऐसी करता है बहुत अच्छा लगता है। तो कभी नमाज पढ़ने गया वजू करके, आपने देख ही लिया, तो चलिए मिलते हैं आपसे मार्केट। ये हमारे लेट लतीफ दोस्त शान भाई। तो भी गाइस हम तो आ चुके हैं यहाँ पर मार्केट, तो आज जुमे का बाजार लगा हुआ है, सभी यहाँ पर आसपास के गांवों से यहाँ सब्जी बेचने आते हैं, तो मैं भी यहाँ पर सामान लेने आया हूँ, तो यहाँ से हम प्याज वगैरह ले रहे हैं।
तो अभी मैं आ चुका हूँ इंचोली के उर्स मैदान पर और यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइनमैन 11,000 की लाइन में काम कर रहा है। तो ये सम्मस में लाइन जा रही है, तो यहाँ पर कुछ सम्मस के लोग भी यहाँ पर खड़े हैं और लाइनमैन भी यहाँ पर खड़े हैं, तो अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पर काम करा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा परेशान है पब्लिक, लाइट गए हुए 24 घंटे से भी ऊपर का टाइम हो चुका है। देखिए पूरा गांव हमारे अंधेरे में है, और वैसे लाइट ठीक भी हो चुकी है, मैंने आपको दिखाया भी है, लाइट ठीक हो चुकी है, सम्मस की भी इंचोली की भी ठीक हो चुकी है, मगर अभी थाने पे काम चल रहा है, मगर टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। और लाइट चेक भी कर ली उन्होंने छोड़कर, शाम में छोड़ी थी तो डिम आ रही थी, तो कुछ प्रॉब्लम थी, फिर वो ठीक करने के लिए बुलाया गया, जो ये लाइट मैन आते हैं वो ठीक करके गए वापस से, फिर वापस से लाइट ठीक आई। और अभी थाने पे काम चल रहा है इंचोली के, वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कल आंधी की वजह से, तो अभी वहां से भी ठीक हो रही है, तो अभी लाइट देखते हैं कब आएगी। वैसे बोल रहे थे दोपहर से, यही बोल रहे हैं नमाज के टाइम से, यही बोला जा रहा है कि आधे घंटे में आ जाएगी, आधे घंटे में आ जाएगी, आधे घंटे में आ जाएगी, तो दोपहर 1 बजे से ये टाइम आ गया और अभी तक लाइट नहीं आई है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से लाइट खराब होगी। तो देख सकते हैं जिस जिसकी भाई के इन्वर्टर चार्ज है वही तकिए में मार्केट में लाइटें जल रही है, बाकी के सबके इधर साइड देख सकते हैं, इधर एक दो बल्ब जल रहे हैं सारे अंधेरे में, तो सब परेशानी में है सब, और हमारे घर में भी देख सकते हैं अंधेरा ही हो रहा है, तो लाइट का वेट कर रहे हैं। और मम्मी ने खाना भी रेडी कर लिया और पापा की फरमाइश पे बहुत अच्छी डिश बनी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस पापा की फरमाइश पे बना है आज स्टू, तो देखिए देखने में कितना लजीज लग रहा है, और बाकी की तारीफ पापा से सुनते हैं। कैसा हो रहा पापा? बेहतरीन एकदम। तो आज पापा की शाम से ही फरमाइश हो रही थी कि स्टू बनाओ, और आज हमारा बाहर भी जाने का प्लान था, तो इस वजह से हमने बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि आज पापा का दिल जो था स्टू का था, तो इसलिए हमने मेरठ जाना भी कैंसिल कर दिया। कबीर को हमने कहा आपकी फरमाइश कल पूरी करेंगे, आपकी जिद कल पूरी करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल बाहर जाने की। तो अभी पापा को भी धसका लग चुका है, पापा पानी पी रहे हैं, तो अभी मैं भी खाना खाता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये थी हमारे पापा की फरमाइश, और पापा की फरमाइश पे बना था स्टू, फिलहाल मिलते हैं खाने के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाकर हो चुका है, और हमारी मम्मी भी आ गई है, अब मम्मी खाना खा रही है। तो ये देखिए आज मम्मी की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि बहुत बहुत जबरदस्त मतलब टेस्ट था खाने का, और ये स्टू जो मतलब मम्मी ने इतना दिल से बनाया है आज पापा की फरमाइश पर, चिकन स्टू मतलब जवाब ही नहीं, आज इतना जबरदस्त, दिल से तारीफ कर रहा हूँ। मैं तो मैं मम्मी की खाने में कमी निकालता रहता हूँ देखो हंस रही है मम्मी के खाने में मैं ना निकालते रहता हूँ, मतलब जब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता ना मैं तुरंत बोल देता हूँ मम्मी के, तू तो सबसे पहले फी निकालता। तो आज पापा ने भी बहुत तारीफ की, तो पापा तो शीर खा रहे हैं, मम्मी ने सुबह बनाया था और मैंने भी खा लिया, तो भर पेट आज खाना खाया अच्छे से। आज मेरठ जाकर भी बेकार हो जाता, इतना मजा आ गया मतलब। तो इंशाल्लाह कल या परसों जाएंगे मेरठ, जरूर कोशिश रहेगी, नहीं तो कोई ना कोई काम आते रहता है। तो आज फाइनली लाइट भी आ गई है, और शुक्रिया हमारे इंचोली के उभरते हुए नेता मुनीर इरफान, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने पूरे गाँव की लाइट चालू करा दी, नए गाँव के आसपास के इलाकों की भी सारी लाइट चालू करा दी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे बाद में। तो भाई मैं तो आ गया हूँ वापस घर, और आज जो भी आपने देखा उसको ही ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, सपोर्ट करें। और आज बड़ी मशक्कत से मुनीर भाई ने पूरे गांव की लाइट चालू कराई, तो बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर भाई, और पूरा गाँव है आपका शुक्रिया अदा कर रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आपकी मेहनत देख कर, तो मतलब मेरे ब्लॉग में यही सबसे बड़ा यूनिक रहा है कि आपने पूरे गाँव की लाइन चालू कराई। तो फिलहाल ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, इस व्लॉग का एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।